अब ये दोनों शेयर 6 महीने के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, रिलायंस और SBI दिग्गज भी हैं। रिलायंस में दिखा था कि इस साल की जो शुरुआत हुई थी 2600 रुपए के भाव के आसपास हुई थी, उसके बाद ये गिर के 2200 रुपए के आसपास आया। अब वहां से फिर से 2600 के आसपास है, आज उसको क्रॉस किया है। आपको क्या लगता है कि रिलायंस की ये तेजी सस्टेन करेगी, और क्या इसको 2800 रुपए के लिए जुलाई सीरीज के लिए इसको बाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे देखिए बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया निकल के आ रहा है। इनफैक्ट ये बात मैं ऐड ऑन करना ही चाहता था, आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया कि रोल ओवर्स इस स्टॉक के अंदर काफी अच्छे हुए। जब हम जून से जुलाई सीरीज मैटर हो रहे थे तो मैंने नोटिस किया था रिलायंस पे पर्टिकुलरली काफी अच्छे रोल ओवर्स होते दिखाई दिए थे। इनफैक्ट अगर वॉल्यूम्स या ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है, और टेक्निकली अगर मैं एक और एडिशन कर देता हूं स्टॉक में तो एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आज देखने को मिल रहा है, विच इज अप्रॉक्सिमेटली अबाउट 2600। 2600 के लगभग यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था जो मोमेंटम कैच करता दिखाई दे रहा है। आपके साथ बिल्कुल मैं सहमत करूंगा, जुलाई सीरीज में यहां पे आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। जो अंडर परफॉर्मेंस हमने बीते कई महीनों में स्टॉक में पर्टिकुलरली देखी है, रिलायंस कुड बी अ कंटेंडर जो यहां पे मार्केट को कहीं ना कहीं संभालता हुआ दिखाई देगा, रिकॉर्ड हाईज की तरफ और ज्यादा मूव करता दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहां पे सहमत करूंगा, 2800 रुपए के लेवल्स में एक्सपेक्ट करके चलूंगा रिलायंस के अंदर। मार्केट का दिग्गज है, वेटेज ज्यादा इंडेक्स के अंदर, तो बिल्कुल यहां पे मोमेंटम कैरी करता दिखाई दे सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा